मैं रविंद्र सिंह, शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर से। दरअसल राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज से अधिसूचना जारी हो चुकी है। अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दौसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इसी को लेकर कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नामांकन की व्यवस्था की गई है। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चलेगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापसी का समय भी निर्धारित किया गया है। सुरक्षा की बात करें तो नामांकन को देखते हुए दौसा में 3 लेयर सुरक्षा की गई है। पुलिस का पहला जाब्ता कलेक्ट्रेट के बाहर तैनात किया गया है। तो वहीं दूसरा जाब्ता कलेक्ट्रेट के गेट पर तैनात किया गया है। वहीं रिटर्निंग अधिकारी कक्ष के बाहर भी पुलिस का बंदोबस्त है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आने वाले दिनों में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। 25 अक्टूबर तक जो है नामांकन प्रक्रिया जारी रहने वाली है। सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस ने 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था भी की है, तो 4x54 व्यवस्था की गई है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दौसा सीट पर उपचुनाव है, इसी को लेकर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में पूरी तैयारी की कर ली गई है। आज से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। सुबह सुबह का समय यहां पर रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी खुद मौजूद हैं और CCTV लगाए गए हैं। पूरी आचार संहिता के पालना के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। 5 से अधिक लोगों को नामांकन के वक्त प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हम दौसा कोतवाली के SHO हीरालाल जी से बात करते हैं। सर, किस प्रकार की व्यवस्था पूरी की गई है नामांकन के दौरान? आज तेरह नवंबर को उपचुनाव, कौन कौन सी सीट पर उपचुनाव होने हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। झुंझुनू सीट, साथ ही देवली, उनियारा, दौसा, चौरासी, खिवसर, रामगढ़, ये सीट, साथ ही सलोम्बर, जहां पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होने हैं। और 12 से बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान सामने आया है। विरोध करने वालों को बेवकूफ बताया, साथ ही साथ उन्होंने मूर्ख कहा है। जो बयान पिछले दिनों मदन दिलावर की तरफ से शिक्षकों के पहनावे को लेकर कही गई थी, बात संस्कार के आधार पर ये बात कही गई थी, और अब उन्होंने कहा है कि जो विरोध कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं। मंत्री ने शिक्षकों के कपड़ों को लेकर बयान दिया था। शिक्षकों के कपड़ों वाले बयान का लोग विरोध कर रहे थे। आने चक्कर में थी, देखा वो शिक्षक बेवकूफ हैं जो मैंने कहा उसके विरोध में बोल रहे हैं। मैंने ये कहा था कि जो विद्यार्थी है वो आधा समय अपने अभिभावक माँ बाप के पास रहता है, आधा समय विद्यालय में रहता है, तो माँ बाप को और गुरुजनों को ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसी हमारी दृष्टि है, इससे बच्चे सीखते हैं। संस्कार दोनों जगह से पाते हैं। यदि अध्यापक गलत काम करेगा तो बच्चे भी गलत काम की ओर बढ़ेंगे। इसलिए कई बार मैंने कहा जो शिक्षिकाएं हैं वो पूरे कपड़े, जिस जो हमारा परिवेश है और जिस परिवेश में हम रहते हैं, उस प्रकार के कपड़े नहीं पहनने आने से बच्चों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। बांसवाड़े की खबर आपको बताते हैं, जहां पर गढ़ा गांव में स्थित सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बस नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतर गई। झाड़ियों और छोटे छोटे पेड़ के कारण बस पलटने से बच गई और एक बड़ा हादसा कह सकते हैं कि टल गया। जिस समय हादसा हुआ तब बस में 40 के करीब बच्चे सवार थे। जानकारी के अनुसार ये बस पिपलखूज कस्बे से बच्चों को लेकर के स्कूल की तरफ आ रही थी। जब बस किलेश घाटी पहुंची तब सामने से एक बाइक सवार रॉन्ग साइड में तेज स्पीड में आ रहा था और इसी को बचाने के चक्कर में बस चालक का थोड़ा संतुलन बिगड़ा और बस सड़क के किनारे उतर गई। यहां पर 5 से 8 फीट का गड्ढा था और झाड़ियों के कारण बस पलटने से बच गई। नहीं तो अगर बस पलट गई होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। राहत की बात बस यही है कि झाड़ियां होने के कारण ये बस नहीं पलट पाई। और खबर चूरू से है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से डोडा पोस्त बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक NH-52 पर नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान एक ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 17 किलो 900 ग्राम डोडा पोस्त मिला है, जिस पर पुलिस ने ट्रक समेत डोडा पोस्त जब्त कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ NDPS की
धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया है। मामले की जांच दुधवा खारा थानाधिकारी कर रहे हैं। इसको रोककर चेक किया गया, जिसमें पंजाब निवासी दो व्यक्ति हैं, जसविंदर सिंह उर्फ विक्की, दूसरा बलजीत सिंह उर्फ बंटी। ये दोनों सतारना पीएस पातड़ा पटियाला के रहने वाले हैं। इस ट्रक को चेक किया तो इसमें जो है एक कट्टा, जिसमें जो है 17 किलो 900 ग्राम जो है अवैध डोटा पोस्ट चूरा जो मिला है, तो इसमें जो है ये चूरा जब्त किया जाकर दोनों को गिरफ्तार किया गया और एक ट्रक जो है इसमें जब्त किया गया। इस प्रकरण का अनुसंधान जो है एसएचओ दूधवा खारा द्वारा किया जा रहा है। और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर जयपुर में बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों के गौभक्त जयपुर पहुंच रहे हैं। दौसा से भी बस के जरिए गौभक्त जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान दौसा में गौभक्तों ने गाय माता के पक्ष में नारे लगाए और कहा कि केंद्र की सरकार गाय को राष्ट्रमाता और राजस्थान की सरकार गाय को राजमाता घोषित करे। तो अलग अलग जिलों से जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में गौ भक्त जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। मांग गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए है और आज हम ज्यादातर नगर स्टेडियम में पूरी रैली में के साथ जा रहे हैं। सब जन आक्रोश है इसमें गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। गौ माता के शरीर में संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ माता पूजनीय है। गौ माता हमारा आर्थिक आधार है, उसके कत्ल इत्यादि को रोका जाए और उसको राष्ट्रमाता यदि घोषित किया जाए तो जन जन में उसके प्रति श्रद्धा होगी और गौ पालन नए सिरे से प्रारंभ हो जाएगा। पूरे राजस्थान के गौ सेवक आज विद्यानगर नगर स्टेडियम जयपुर में जा रहे हैं और उसका उद्देश्य यही है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। साथ ही जो कत्ल खाने वगैरह है गौवंशों पर या जो गौवंशों की तस्करी होती है वो बंद की जाए, इसके लिए पूरा राजस्थान आज विद्यानगर नगर स्टेडियम में इकट्ठा हो रहा है। और खबर कोटा से है, जहां मकान की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड करने वाले स्कूली छात्र के परिवार में मातम पसरा हुआ है। छात्र के पिता और दादा समेत परिवार के लोगों ने मृतक छात्र के दर्जनों मेडल और प्रमाण पत्र दिखाए। रोते बिलखते छात्र के पिता ने कहा कि उसके बेटे ने दर्जनों मेडल जीते थे। भावेश को खेलना बहुत पसंद था और वो कराटे की प्रैक्टिस भी करता था। उसने कई लोकल और स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन में भी भाग लिया और एक दर्जन से भी ज्यादा मेडल जीते थे। कई मेडल और सर्टिफिकेट परिवार और स्कूल का नाम रोशन कर रहा था, लेकिन किसी दोस्त द्वारा उसके बैग में सिगरेट रखने के बाद मैनेजमेंट ने उसे स्कूल से निकाल दिया। हमने गुहार लगाई, स्कूल मैनेजमेंट नहीं माना। तनाव में आकर छात्र ने मौत को गले लगा लिया। शव का गमगीन माहौल में पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार करवा दिया गया। ये हो सकता है ना, और एक कोई किसी ना किसी स्पेशलिटी बच्चों में कुछ ना कुछ एक होती है, है? उसमें ये स्पेशलिटी थी, पढ़ाई में वीक होगा तो होगा। और है ना, जो बच्चे है ना हरकत करते हैं, मस्ती करते हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। नाबालिगों के लिए अलग से नियम है, कम से कम ये नियम तो नहीं है ना कोई सिगरेट पी के, कोई सिगरेट पीने की मशीन लेके आ गया तो इसको टर्मिनेट करने का कोई नियम है क्या स्कूल में, जो इसके चक्कर में मेरे बेटे को मार दिया उन्होंने। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में एक नाले में डूबने से एक युवक की गुरुवार को मौत हो गई। युवक मछलियां पकड़ने को लेकर जाल बांधने के लिए नाले में कूदा था। 5 घंटे मशक्कत के बाद युवक का शव बाहर निकाला गया है। मिली जानकारी के अनुसार युवक रोजाना की तरह अपने 4 दोस्तों के साथ काम की तलाश पर निकला था और 1 घंटे बाद चारों दोस्तों ने गांव में आकर बताया कि मजदूरी नहीं मिलने पर वह मछली पकड़ने चले गए। जाल बांधने के लिए युवक ने नाले में छलांग लगा दी। वह 1-2 बार पानी की सतह पर आया, फिर दिखाई नहीं दिया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी सेवर थाने को दी, साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सिविल डिफेंस की टीम ने शव निकालने का प्रयास किया। पकड़ने के लिए आए थे, ठीक है। फिर क्या है कि यहाँ पे हम बैठे थे, हाँ। तो उससे मना कर रहे थे, उसने जाल उठाया, नौकरों ने उधर पट्टी लगा के आऊंगा, पट्टी लगाने के लिए गया था तो यहाँ से भागा था, वो उधर छलांग लगाए थे, वो फिर पारी नहीं हुआ पाता, वहीं के वहीं रह गया, लौट के नहीं आया। कितने 5-6 लोग थे? हाँ। तुम लोगों ने शराब भी पी थी? नहीं सर, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पी थी। उन लोगों ने पी, जो कूदा था ना, शायद उसने लगा रखी थी और शायद एक उन्होंने पी रखी थी उन्होंने। और खबर राजसमंद से है, जहां असन चौराहा पर ट्रेलर की टक्कर से गाय की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सूचना पर पुलिस और विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे और लोगों को तिराहे पर ब्रेक कर बनवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन को खत्म कर दिया है। तो बड़ी खबर राजसमंद से, जहां पर तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, आसन चौराहे पर ट्रेलर की टक्कर से गाय की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीण गुस्सा गए हैं, आक्रोशित हो गए और सड़क पर उन्होंने जाम लगा दिया है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई।
तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और विधायक के आश्वासन के बाद जो प्रदर्शन है वो समाप्त हो गया। आसन चौराहे पर ट्रेलर की टक्कर से गाय की मौत हो गई और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, आक्रोश जता रहे थे। और विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी मौके पर पहुंचे और लोगों को तिराहे पर ब्रेकर बनवाने का आश्वासन दिया। उसके बाद से जाम खुलवाया गया, लोग वहां से हट गए और विरोध प्रदर्शन जो है खत्म कर दिया गया। अलवर में एक रिटायर्ड सहायक लेखाधिकारी के सूने मकान में चोर घुस गए। बुजुर्ग दंपति अमेरिका में अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए गए थे, पीछे से चोर नकदी और जेवर चोरी करके ले गए। और जानकारी के अनुसार सहायक लेखाधिकारी के पद से रिटायर अवधेश कुमार गुप्ता पिछले महीने में पत्नी के साथ अपने छोटे बेटे और उसकी पत्नी से मिलने अमेरिका गए थे। मकान सूना था, कुछ अज्ञात चोर सूने मकान का ताला तोड़कर 5,000 रुपए, चांदी की पाजेब, चांदी की लुटिया, सोने के पॉलिश वाले हाथों के कंगन चोरी करके फरार हो गए। तो अलवर से ये जानकारी, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, घर की तस्वीर सामने आई है, सामान बिखरा हुआ है। और चोरी में तो क्या है कि नगद थे 5,000 के करीब, इसमें सिक्के भी थे और नगद नए नोट भी थे 20 के 10 के, इस तरीके के। और दो पाजेब की जोड़ी जो थी तो पुरानी यूज करते हुए, एक पूजा वाली चांदी की लुटिया भारी उसमें। और खबर अलवर से है जहां आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता क्लिनिक में ताले तोड़कर कीमती सामान चोरी करके चोर फरार हो गए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता क्लिनिक से पंखे, टूटी ट्रॉली और दवाएं चोरी हो गई। जानकारी के अनुसार डिस्पेंसरी में काम करने वाली महिला नर्सिंग स्टाफ पहुंची, तब जाकर मामले का पता चला। उसने तुरंत आसपास के लोगों को बताया, पार्षद ने मौके पर आकर पुलिस को सूचना दी। बाकी स्टाफ और पुलिस ने डिस्पेंसरी के अंदर जाकर देखा तो लगभग सभी ताले टूटे हुए थे। डिस्पेंसरी के अंदर से कुछ महंगी दवाइयां, बीपी और शुगर की मशीन और नर्सिंग ट्रॉली को भी चोरी करके चोर ले गए। इतना ही नहीं, चोरों ने बाथरूम के अंदर की टोंटी भी उखाड़ दी। तो अलवर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, नर्स ने ताले टूटे देखे तो पता चला कि चोरी हुई है, सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची है और डिस्पेंसरी में चोरी की ये तस्वीर भी सामने आई है, आप देखिए। डिस्पेंसरी सरकारी डिस्पेंसरी है, वार्ड नंबर 58, जो कि सुबह यहाँ इनके स्टाफ की लेडीज आई 9 बजे आती है, उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे ताले टूटे पड़े हैं। फिर हमने पुलिस वालों को फोन किया, पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने आके अंदर सारी वीडियो वगैरह बनाई। यहाँ पे एक पंखा सारी टूट गई है, वॉश बेसन सब तोड़ गए, सारी जितनी भी बेंचे हैं अंदर टेबल हैं इनको तोड़ गए हैं। उसके बाद में इसका क्या नाम है, बीपी की मशीन, शुगर की मशीन और उसके क्या नाम है, बहुत सारे इनके आइटम यहाँ थे, चोरी करके ले गए हैं।